जल्दी से बताओ, महाभारत के आखिरी दिन पे सुना है कि एक पानी के सरोवर में दुर्योधन जाके छुप गए थे, वो कहां था? भाई साहब आप थोड़े ज्ञानी लग रहे हो, बताइए कहां था, मालूम है आपको? कुरुक्षेत्र में। करेक्ट। और हम हैं आज इसी कुरुक्षेत्र में। ये देखिए पीछे ब्रॉन्ज का इतना सुंदर सुंदर स्टैचू, इतना बड़ा सारा, कि आप जानते थे हिंदुस्तान में ऐसी भी चीजें हैं कि आप यहाँ पे आए देखने के लिए? शायद नहीं आए, बहुत गलत बात है, आया कीजिए। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि सिर्फ जो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो सबसे जरूरी नहीं है, रास्ता जो है, जो जर्नी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप निकले हैं दिल्ली से और आप NH1 पे निकल रहे हैं, या NH44 जिसको आप बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड पे आप जा रहे हैं अमृतसर की तरफ, तो लेफ्ट टर्न लीजिए जहाँ पे कुरुक्षेत्र के लिए साइन लगा हुआ है, और आपको ये ब्यूटीफुल सुंदर जगह जो है, शांतिपूर्वक जगह आपको आने को मिलेगी। हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि बस यहाँ पर सिर्फ ये ब्रॉन्ज स्टैचू भी है, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए ब्रह्म सरोवर, ये है एशिया का सबसे बड़ा बेदिंग टैंक, यानी कि नहाने का जो टैंक है मैन मेड, ये सबसे बड़े में गिना जाता है, सबसे बड़ों के अंदर है ये। और ये खासकर इसलिए मशहूर है क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, ये सब जानते हैं, और दुर्योधन इसी टैंक में कहीं बैठे हुए थे, ये भी सब जानते हैं। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत शिव मंदिर, जिसकी स्थापना जो शिवलिंग जो है वो ब्रह्मा खुद लेके आए थे, और उन्होंने ब्रह्मदेव ने शिवलिंग स्थापित किया था यहाँ पर, और तब मंदिर बना था। आप क्या जानते हैं इस जगह के बारे में, बताइए। ज्ञानी जी आप इतना सारा कैसे जानते हैं, आप बताइए, क्योंकि पढ़ तो आप सकते नहीं, पढ़े लिखे टाइप के आप ज्ञानी जी हैं नहीं, तो आप कौन बता रहे हैं आपको ये सारी चीजें? हम बस आंखें बंद करके ध्यान देते हैं और सब ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये छोटी छोटी जगह छोटे छोटे शहरों में आपको एकदम सरप्राइज के तौर पर मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी फैमिलीज हैं, पिकनिक बना रही है। खैर अपना मास्क जरूर पहनेगा, हम लोगों ने नहीं पहना क्योंकि हम दोनों एक साथ खड़े हैं, मास्क पहन के यहाँ पे जरूर आइए। और ये करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है नेशनल हाईवे से, 5-6 किलोमीटर, तो आपको लगेंगे करीब 15 मिनट हाईवे से उतर के इस छोटे से शहर करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर जब आप आएंगे तो सिंगल स्टोरी आपको घर मिलेंगे, बिल्कुल एक स्मॉल टाउन फील। और जब आप आगे आते जाएंगे तो आपको सीधे हाथ में ये विशाल टैंक यानी कि ब्रह्म सरोवर दिख जाएगा, और फिर ये शानदार जो मूर्ति पीछे है, इस मूर्ति के पास आके आप पिकनिक बनाइए, फोटो खींचिए, हमें थैंक यू नोट भेजिए कि हमने आपको इस जगह से तारुफ कराया आपका। मैं एक और थैंक यू नोट देना चाहता हूँ, हाँ। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं और जहाँ पे जो भी इंचार्ज है अथॉरिटीज, कि उन्होंने ये जगह काफी साफ रखी। आप पानी के अंदर देखिए, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, तो या तो लोग फेंक नहीं रहे, या यहाँ पे बहुत ध्यान रख रहे हैं लोग साफ का। इसी तरह जो हमारा पूरा देश है वो आपका घर है, उसको साफ रखिए, लिटरिंग मत करिए। हमारे पिछले सीजन में हम माउंट आबू गए थे, वहाँ पे हमने जाके वीडियो बनाया था, बोला था कितना गंदा है, सुना हमने कि उसके बाद माउंट आबू के लोगों ने एक वीकेंड पे मिलके सब ने जाके वहाँ से कचरा हटाया था, पर यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत साफ है। वेल डन, वेल डन कुरुक्षेत्र, वेल डन, वेल डन, वेल डन। गंदगी के खिलाफ लड़ाई भी आप जीतेंगे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी बड़ा मजा आया था क्योंकि पांडव जीते थे। और खासकर इस जगह को मैं बहुत पसंद करता हूँ, पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार चिड़िया आती है सर्दी के मौसम में। अगर आप सुबह सुबह आएंगे या लेट शाम को आएंगे तो आपको दुनिया भर से चिड़ियाँ यहाँ मिलेंगी। इस टाइम आप देख रहे हैं सिर्फ कूट करके एक चिड़िया है जो इस टाइम पानी में है, 5-6 चिड़िया अगर आपको शायद दिख जाए, उस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस चिड़िया का नाम है कूट, पूरी काली चिड़िया है और इसकी सफ़ेद चोंच है और लाल रंग की आँखें जो आपको नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप और कहीं दिन आएंगे जनवरी के महीने में या फरवरी में, तो आपको और भी किस्म की प्रजातियों की चिड़िया मिल जाएंगी। वाह, अगर एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को मार रही हो, अगर ये जाति की जो चिड़िया है, हाँ, तो क्या कहेंगे इस चिड़िया को? कूट चिड़िया को कूट पह रही है, कूट पह रही है। पंजाब में चिड़िया को कूट पह रही है। तेरा कल्चर से कोई लेना देना है नहीं, मुझे लग रहा है ना। मैं यहाँ पे कितने कल्चर की बातें कर रहा हूँ, कान से स्टैचू बना हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ में, और उसको 5 घोड़े हैं, इतना सुंदर स्टैचू, इतनी सुंदर जगह, इतनी सारी हिस्ट्री, यू नो कहते हैं हिंदुस्तानी सभ्यता, 5 घोड़े थे अब 4 रह गए, एक भाग गया। अच्छा, 4 ही हैं? 4 ही हैं। हिंदुस्तानी सभ्यता जो है कहते हैं कि यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन ये जगह, ये बात काफी जगहों के लिए फेमस है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे अर्जुन के रथ पे 5 घोड़े नहीं थे?